Hello, good morning. It's day 3 in Nainital and we just woke up. It's 9 in the morning and hum thoda sa aise bahar hamari property se, this is our property where we are living. It's nature's view, La Nivasa. And iske piche na hum yahan pe khade hoke ye wala ghar dekh rahe the, this house. It is so pretty. Inhone itna well maintained kiya hai, itna pyara ghar hai na. Tarika aur main abhi baat hi kar rahe the ki yaar how pretty this house is. Matlab aisa ghar ho na to ghar se bahar nikalne ka hi man na kare. But it's literally very pretty. But yeah, abhi hum breakfast karenge. And then आज हमको जाना है भीमताल के लिए. So next 3 days we are going to live in भीमताल. So yes, अभी quickly नाश्ता करते हैं and then फिर ready होके निकलते. By the way, sky का कलर देखो, I mean wallpaper लगाया हुआ, ऐसा लगता है पहाड़ों पर sky का कलर legit blue. And सामने इतनी अच्छी सी धूप आ रही है, हाय. So चलो, we are having breakfast. और आज breakfast में तारिका खा रही है पराठे. I'm having my favorite dosa. How's it? It's good. Namak thoda kam laga. So I'm all ready. Yay! This is my outfit of the day. By the way, guys, yahan se check out karna hai aaj, and we are going to another place which is भीमताल. So हम भीमताल जा रहे हैं obviously, but इस place को भी छोड़ने का ऐसा दिल नहीं कर रहा है because room को ignore करो क्योंकि काफ़ी mess हो चुका है, but this view ये छोड़ने का मन नहीं कर रहा है. देखो, मतलब ये room है, इसके सामने बस हम इस view से हम सुबह सुबह उठते थे, मतलब this view and this. Oh my God. So I would highly recommend, if आप नैनीताल में हो कभी तो आप इस place को check out करना, which is, इसका मैं link भी नीचे डाल दूँगी. और नेचर्स व्यू ला निवासा इनका होटल प्रॉपर्टी का नेम है. सो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हो. रूम थोड़ा मैसी हो गया बट मैंने पहले रूम टूर दे दिया था आपको. काफ़ी स्पेशियस, काफ़ी अच्छा, बट द व्यू इज़ ब्रेथ टेकिंग, अमेजिंग. एज यू कैन सी गाइज, मैं बार बार दिखा रही हूँ, आई एम सॉरी बट आई एम ऑब्सेस्ड. आई कांट हेल्प. मैं मतलब बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो गई हूँ उसके व्यू से. सो बहुत ही प्यारा, एज यू कैन सी. येस, सो द व्यू इज़ दिस एंड राइट नाउ वी आर ऑल सेट. अभी हमको ये सारी चीज़ें, सारा पसारा जो है वो मुझे पैक करना है. पैक करने के बाद विल लीव. सो या विल सी यू. सो वी आर ऑल सेट रेडी. सारा सामान वामान पैक हो गया है और अभी हम वेट कर रहे हैं, हमारी गाड़ी आ रही है. सो हम जिसमें भीमताल जाने वाले हैं. सो या ऑल पैक और एवरीथिंग. बाहर थोड़ा चिल कर रहे हैं. बाय द वे, मेरे सामने जो व्यू है वो सुबह भी दिखाया था वैसे आपको, बट ये दिस. एंड यहाँ आस पास ना कुछ जैसे घर भी है जहाँ पे मतलब ऑब्वियसली लोगों की प्रॉपर्टीज़ है. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. मैं बार बार बोल रही हूँ पता नहीं, बट मुझे ऐसे ना ये सब देख देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पहाड़ों पे घर लेना ही नहीं, कि इट्स अ एम नाउ, है ना. सो कमेंट बिलो इफ़ आप भी ऐसा सोचते हो कि किसी ऐसी सिटी वाली भाग दौड़ वाली लाइफ से दूर कहीं पर घर लेना है और आराम से शांति वाली ज़िंदगी बितानी है 40 के बाद. हाँ, मतलब तब तक तो यार अब क्या करोगे, फैमिली वैमिली ये वो सब में रहता है. फिर उसके बाद वाली जो लाइफ है वो अपने सुकून भरे पल आराम से बिताओ. आई मीन नाइस ना. तो चलो अभी तो हम भीमताल चलते हैं आपको लेके. लेट्स गो.
गाइस, हमने अभी छोटा सा स्टॉप लिया है फॉर दिस ब्रेथ टेकिंग व्यू. कैन यू सी दिस? ओ माय गॉड, इट्स लुकिंग सो डैम प्रिटी. एक्चुअली हम जा रहे हैं, दिस इज माय पावर बैंक बाय द वे. वी आर गोइंग टू भीमताल, बट रास्ते में हमारे ड्राइवर भैया ने बहुत ही अच्छी जगह पे स्टॉप लिया. यहाँ पे कोई भी नहीं है, लुक एट दिस, कोई भी नहीं है, सिर्फ तारिका और मैं है. एंड इट्स सो प्रिटी. यहाँ से पूरा हिमालयन व्यू दिख रहा है, लाइक मतलब माय गॉड, दिस इज प्रिटी, है ना? सो नाइस. लेट्स टेक फ्यू पिक्चर्स हियर. सो फाइनली वी हैव रीच्ड टू भीमताल और हमने हमारे होटल में चेक इन कर लिया है. द नेम ऑफ द प्लेस वेयर वी आर स्टेइंग फॉर नेक्स्ट टू डेज, इट्स द लेक हिल एंड इट्स ब्यूटिफुल बिकॉज हमें एकदम हमारे बेड से पूरा लेक का व्यू मिल रहा है, विच इज़ भीमताल लेक. और एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, वहाँ पर तारिका बैठी है. बाय द वे, हियर इज द लेक एंड द व्यू इज अमेजिंग. बाय द वे, and I'm little tired, so yeah, अभी थोड़ा relax करते हैं and then फिर lunch वंच करके we'll see what we are going to do here. But yeah, finally reached. ज़्यादा दूर है नहीं, I think it's 23 किलोमीटर का रास्ता था, और पर पहाड़ों में थोड़ा time लग जाता है, so हमें एक घंटे से भी ज़्यादा लग गया पहुँचने में, because हम बीच में थोड़ा रुके भी थे. And yeah, pretty much it. ओके गाइस, सो दिस इज़ इट फॉर फर्स्ट व्लॉग, और नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं भीमताल घुमाने वाली हूँ. बट टिल देन, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए.